ये कंटिन्यूअसली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आप कम से कम अगर आप बिगिनर हैं अभी एक दो दो तीन चार छह महीने में, आपकी इनकम 10-20-30-40,000-50,000 रुपए के आसपास है, मिनिमम आपके आपको 6 एक्टिव नेटवर्क पे काम करना है, राइट। 6 एक्टिव नेटवर्क में उसको बोलता हूं जिसमें कम से कम 3 से 4 लोग अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हो। दैट फॉर मी इज द डेफिनेशन ऑफ एन एक्टिव नेटवर्क। हो सकता है आपकी आपका कोई नेटवर्क आपको 2001 पीवी देता हो या 3-4 हजार पीवी देता हो, आपको ऐसा लगता होगा कि वो उसकी गिनती आपके एक लाइन में हो जाती होगी, उस गिनती से आप में से कोई स्टार हो जाता होगा या कोई डायमंड हो जाता होगा, कोई क्राउन या यूनिवर्सल क्राउन भी हो जाता होगा, लेकिन वो एक्टिव नेटवर्क नहीं है, वो यूजर नेटवर्क है। यूजर नेटवर्क से आप 2-3-4 हजार पीवी से कभी भी 2-3-4 लाख पीवी नहीं कर सकते। सो आपने मिनिमम छह अगर आप नए हैं राइट, तो आपको 6 एक्टिव ग्रुप के ऊपर ध्यान देना है, उसको विड्थ में विड्थ 6 और डेप्थ में लेके जाना है। अब इसके लिए माइंडसेट क्या है, अब सबसे पहले आपको प्लान को समझना है, राइट। एक सिंपल सी बात आपने जो समझनी है कि लेवल से पैसे नहीं आते, पैसे कहां से आते हैं, पैसे आएंगे बड़े वॉल्यूम से, बिग टर्नओवर से। नाउ बिग टर्नओवर कैन ओनली गिव यू बिग मनी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना, ओके। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं ब्रॉन्ज बन गया जी, मेरा चेक आया 2,500 रुपए 3,000 रुपए, क्या फायदा जी, मैं क्यों काम करूं। अरे भैया आप ब्रॉन्ज बनने के लिए नहीं आए हो, 2,500-3,000 रुपए को मत रो, इसके लिए नहीं आए हो। या मैंने 1% पूल में क्वालिफाई किया जी, मेरा चेक तो सिर्फ 3,700 रुपए है। अरे भैया तुम्हारी पीवी कितनी, तुम्हारी पीवी 2,500-3,000 तो पीवी है, तो 3,000 पीवी देकर तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारा चेक 3 लाख रुपए हो जाएगा। तो अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो क्या करूं, आप आए हो बड़ा पैसा कमाने के लिए या आप सोचते हो अब बड़ा पैसा कमाओ, तो बड़ा पैसा कमाने के लिए मेरे भाई बड़े वॉल्यूम बिल्ड करना पड़ता है, ये बिल्कुल क्लियर दिमाग में डाल लो, ओके राइट। सो अपने माइंड को पहले बताओ कि मैं मुझे बड़ा वॉल्यूम बिल्ड करना है, 10 लाख पीवी 20 लाख पीवी 1 करोड़ पीवी 2 करोड़ पीवी 3 करोड़ पीवी, ये सोच बनानी आप शुरू करो। थिंक लाइक अ कंपनी, थिंक लाइक अ कॉर्पोरेट। So this is what you need to put here. हमारे प्लान की बहुत मुख्य इनकम है LOB इनकम। So सबसे पहले आपको लक्ष्य ये रखना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टीम से मेरी LOB लेनी है, आपका प्रथम लक्ष्य ये होना चाहिए। 2001 नहीं, राइट, कम से कम 5-6 to 5 PV नाउ पहला प्रथम लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य, हमारे प्लान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे प्लान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मल्टीपल एलओबी। मल्टीपल एलओबी, मल्टीपल मतलब बहुसंख्यक, यानी एक से ज्यादा एलओबी टीम से आपको मिल सकती है। अब ये मल्टीपल एलओबी कहां से आती है, आपकी टीम में जितने लोग एलओबी लेंगे उनसे आपको एलओबी आती है, राइट। नाउ अब ज्यादा लें कैसे, आपका फोकस ये होना चाहिए कि मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग एलओबी लें। जब मैं 2008 में यूनिवर्सिटीज में वर्किंग शुरू करी, मुझे ये बात समझ में आई, तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैं थोड़ा सा टीम को मॉनिटर करता था। मैंने देखा 18-19 तारीख को कि एक व्यक्ति है, इसकी जो 3,000 या 3,000 पीवी की अभी ये लाइन हो चुकी है, तो मैं उसको फोन करता था और कहता था भाई इस लाइन को 5625 पे लेके जाना ताकि आपको इससे एलओबी मिले। तो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू टेल हिम। या अगर कोई व्यक्ति है जिसकी एक लाइन 10,000-20,000 पीवी की हो चुकी है और साइड वॉल्यूम उसकी कम है, जैसे मान लो अगर वो सिल्वर है उसको 1,800 पीवी करनी है, तो कई बार क्या है उसकी साइड लटक रही है 500-600, तो मैं उसी समय उसको बताता था भाई अब क्लोजिंग से पहले पहले आपको मिनिमम इसको क्वालिफाई जरूर करना, और इससे ज्यादा करो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा लक्ष्य क्या होता था, ऐसे मैं ऐसे फोन करके उनको अवगत करा करके उनको बता करके उनकी एलओबी बढ़वा दूं। उनकी एलओबी बढ़ी तो उससे हुआ क्या, उससे उनका पेचेक अच्छा आया, उनको पैसे आने लगे, तो वो उनकी लाइफ इस बिजनेस में लंबी हुई, आज भी कार्य कर रहे हैं। आज सारे जिन लोगों को मैंने ऐसे बहुत लोगों को टारगेट किया या बताया, शुरू में गाइड किया, आज भी वो इस बिजनेस में एक बहुत अच्छे लेवल पर हैं। मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ कि जितने ज्यादा लोगों की मेरी टीम में एलओबी बढ़ती गई, मेरी ऑटोमेटिक जो पे आउट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो गया। कुछ लोग बहुत सेल्फिश तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब रहता है, राइट, कि मुझे बस एलओबी आ जाए। अगर आपको पैसे आपको कमा के देने के लिए कोई नेटवर्किंग नहीं करता, ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये जो मेरी टीम है, जो मेरे डाउनलाइन है, ये कब टिकेगा, जब ये पैसे कमाएगा तब तो टिकेगा। सो ये पैसे कमाए, दिस इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन, इस पर आपको ध्यान देना है, राइट। उसके बाद भी ऑफकोर्स उसमें उसका कोऑपरेशन भी चाहिए, अगर वो नहीं चाहेगा तो भी नहीं होगा, बट यू नीड एज अ लीडर यू नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स।
सो एलओबी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग एलओबी लें, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. लेवल्स के ऊपर फोकस ना करिए, राइट. मैंने तो सालों से मेरे सेमिनार्स में लोगों को लेवल से भी रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया था, और लेवल की मेरी नजर में कोई खास महत्व है नहीं. बिकॉज अल्टीमेटली आप इस बिजनेस में क्या आए हो, एक बिल्ला लगाने के लिए और एक ट्रॉफी लगाने के लिए नहीं आए जो आपके ड्रॉइंग रूम में सजती रहती है. उसमें से पैसे नहीं निकलते, पैसे आते हैं हर महीने जब आपका जो नेटवर्क वॉल्यूम बिल्ड करता है. और हर महीने नेटवर्क वॉल्यूम बिल्ड करे इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है. अब स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कैसे बनेगा, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आपका ये फोकस कि आपकी टीम में सीरियस लोग आइडेंटिफाई करो जो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, और उन्हें ये बात समझाओ, राइट, कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है, सब कुछ संभव है, बट इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा. क्या आप इसके लिए तैयार हो? देन यू नीड टू वर्क विद देम, देन यू टू टेल देम द प्रोसेस, राइट.